आगरा में हाल ही में 25 जुलाई को कुबेरपुर विभाग के जेई केतकार सिंह के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें धोरा निवासी धर्मेंद्र यादव और पिस्सू यादव सहित अन्य दो व्यक्तियों के खिलाफ थाना इतमादपुर में एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो सका है, जिससे गुस्साए विद्युत कर्मचारी वितरण खंड इतमादपुर पर धरना पर बैठ गए हैं। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार इतमादपुर धरने पर आए और उन्होंने विद्युत कर्मचारियों को समझाया, साथ ही वादा किया कि कल तक अपराधी गिरफ्तार कर हर हाल में कर लिया जाएगा। वहीं उधर एसडीओ इतमादपुर देवेंद्र कुमार ने कहा कि धरना के साथ साथ विद्युत सप्लाई का काम भी जारी रहेगा, किसी भी उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। धरना अब इस बात को लेकर है कि इनका कहना ये हमारे सभी अभ्रभंता एवं सभी कर्मचारी साथियों का कि जो मारपीट कल की गई है आज तक उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई, लगभग 20 घंटे के आसपास हो चुके हैं, अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। अगर कार्यालय में घुस करके अगर एक आदमी को ऐसे मारा पीटा जाएगा तो हम लोग कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। क्षेत्र का काम निपटाकर कुछ विभागीय कार्य वगैरह डिस्टेंशन वगैरह फीड करते हैं, हम लोग शाम को बैठ कर अपना कार्य कर रहे थे, तो मतलब किसी एक ट्रांसफार्मर कोई कंपनी वगैरह ने कुछ काम किया जो काम अभी अपूर्ण था, वो तो उसको कार किसी ने फ़ोन किया कि भाई क्यों नहीं चालू करा रहे हो, तो बोलो अभी वो काम पूरा नहीं हुआ इस कारण चालू नहीं हो पाया, तो फ़ोन करके पूछो कि लोकेशन ली कहाँ हो तुम भाई, तो बोले कभी तो मैं सब स्टेशन पर ही हूँ, 6:30 के आसपास की बात है, तो आए वो चार लोग थे और वो अकेले ही थे उस समय।